आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए रेगुलर अपडेट पाने के लिए। बिहार आईटीआई का जीके के यानी सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बैटरी से प्रैक्टिस है दूसरा दोस्तों है। अगर पहला नहीं देखे तो वीडियो को स्क्रीन में पहला देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं एक नंबर प्रश्न। एक नंबर प्रश्न क्या है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो एक का सही आंसर क्या होगा सभी को बताएंगे। एक नंबर का तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दो नंबर क्या है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो दो नंबर का सही आंसर क्या होगा सभी को बताएंगे। दो नंबर का तो दो नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीनों प्रश्न क्या है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी हुई थी? क्या प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी हुई थी? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो तीन नंबर का सही आंसर क्या होगा सभी को बताएंगे। तीन नंबर का तो तीन नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 मार्च 1931 को। क्या सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी हुई थी? 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चार नंबर प्रश्न क्या है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल है? क्या प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल है? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो चार का सही आंसर क्या होगा सभी को बताएंगे। चार नंबर का चार का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2012 से 2017 तक। कब होगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल है कब है, 2012 से 2017 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जालियांवाला बाग के कांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या किसने की? क्या प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या किसने की? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो पांच नंबर का सही आंसर क्या होगा सभी को बताएंगे। पांच का तो पांच का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उधम सिंह। क्या सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उधम सिंह। जालियांवाला बाग कांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या किसने की थी, उधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छः नंबर, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो छः का सही आंसर क्या होगा सभी को बताएंगे। छः नंबर का छः का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बुध। क्या सही आंसर होगा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सात नंबर प्रश्न क्या है, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, सात का सही आंसर क्या होगा सभी को बताएंगे। सात नंबर का तो सात का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल। क्या सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चावल। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, चावल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठ नंबर प्रश्न क्या है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? क्या प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो आठ का सही आंसर क्या होगा सभी को बताएंगे। आठ नंबर का तो आठ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी को। क्या सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी को। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइन नंबर प्रश्न क्या है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्त बना है था? क्या प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्त बना था? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो नाइन नंबर का सही आंसर क्या होगा सभी को बताएंगे। नाइन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी का। क्या सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्त बना था, लकड़ी का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दस नंबर प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो दस का सही आंसर क्या होगा सभी को बताएंगे। दस का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध
किस नदी पर स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो 11 का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 11 नंबर का, तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागीरथी। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन बी भागीरथी। टीरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? भारत में आम चुनाव कब संपन्न हुआ? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो 12 नंबर का सही आंसर क्या है? सभी को देंगे, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952 ईस्वी। कब हुआ था? 1952 ईस्वी हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1952 ईस्वी में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर, जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा इस्माइलिक देश है? क्या प्रश्न है? जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा इस्लामिक देश है? क्या प्रश्न है? जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा इस्लामिक देश है? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो 13 का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे, 13 नंबर का, 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन सी इंडोनेशिया। जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा इस्लामिक देश है? इंडोनेशिया इस्लामिक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 14 नंबर यानी 14 नंबर प्रश्न क्या है? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो 14 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे, 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर प्रश्न क्या है? गुलबदन बेगम की पुत्र थी। क्या प्रश्न है? गुलबदन बेगम की पुत्र थी। आपके सामने चार ऑप्शन है, तो 15 का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे, 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर की। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन ए बाबर। गुलबदन बेगम की पुत्र थी, बाबर थी, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्या है? भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? आपके सामने चार ऑप्शन है, 16 का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे, 16 नंबर का, 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1853 ईस्वी को। कब हुआ था? 1853 ईस्वी को। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 चलते हैं, 17 प्रश्न क्या है? प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो 17 का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे, 17 का, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्वालियर में। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन बी ग्वालियर में। प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है, तो ऑप्शन सी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 18 प्रश्न क्या है? किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? क्या प्रश्न है? किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो 18 का सही आंसर क्या होगा? सभी बताएंगे, 18 नंबर का, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 19 नंबर प्रश्न क्या है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? क्या प्रश्न है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी को बताएंगे, 19 का, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सतलज। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन डी सतलज। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर बनाया गया, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है? किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है?
आपके सामने चार ऑप्शन है, तो 20 का सही आंसर क्या होगा सभी बताएंगे। किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी ऑप्शन बी जयपुर को। तो किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है, जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।